तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं कि वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे या ना लगे लाइक कर देना। मेडिटेशन यानी ध्यान। तो वीडियो के शुरू में ही हम देखते हैं कि एक बंदे का हाथ जो कि सब ड्राइंग में इतना अच्छा है कि क्या बताऊं, और वो बोलता है कि मेडिटेशन यानी ध्यान। अगर वो नहीं बताता ना कि मेडिटेशन यानी ध्यान है, तो दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता था कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो हैं, पर करते कुछ ही लोग हैं। इस बंदे की बातें कुछ कुछ मिला मिला सा है। जैसे गाली एक ऐसा शब्द है जो जानते तो सब है पर नहीं देते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। जानते हैं ना, मेडिटेशन से हम हवा में उड़ सकते हैं सुपरमैन जैसे, मेडिटेशन से हम किसी भी बंदे को बिना छुए हिला सकते हैं। भाई क्या बोल रहा है, मेडिटेशन से ज्यादा मन की शांति के अलावा कुछ नहीं होता। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप लिटरली अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। मेडिटेशन से हम हमारे जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हैं। इसका मतलब है अगर तुम गरीब हुए तो तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो भाई, तुम अंबानी बन जाओगे। इस बंदे का बात एकदम सही है। हाँ मैं बोल दे रहा हूँ, तुम अंबानी बन जाओगे। तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो। हाँ तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। 10-15 बच्चे एक दिन में हो जाएगा भाई, तुम मेडिटेशन करो। मैं बोल रहा हूँ सही है इस बंदे का बात। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को साइकोलॉजिकली नहीं फिजिकली भी चेंज कर देता है। हमारा ब्रेन बंदर का हो जाएगा पहले जैसा था, या फिर बकरी का हो जाएगा। मतलब इतना चेंज हो जाएगा कि तुम समझ भी नहीं सकते। और क्या बताऊं, मतलब ये आपकी ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देती है। जी हाँ, ये सुनने में तो अमेजिंग जरूर है, पर मेडिटेशन की ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये हमारे दिमाग का साइज ही चेंज कर देता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर दो मेडिटेशन करना जो भी कर रहे हो। पता चला कि मेडिटेशन करते करते दिमाग फट गया और ब्रेन बाहर आ गया तो क्या होगा भाई? 2011 आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट्स हैं, मेडिटेशन उसे श्रिंक यानी छोटी कर देती है, और जो गुड पार्ट्स हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और बाकी पॉजिटिव चीजों से जुड़ी हुई है, उन पार्ट्स की साइज को बढ़ा देती है। दोस्तों तुम समझ गए कि क्या करना है। जब भी तुम्हारा रिजल्ट निकले एग्जाम का तो तुम मेडिटेशन करने लगना। तुम्हारे जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ जाएगा और तुम्हारा नंबर भी बढ़ जाएगा। तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बैड पार्ट्स है जो तुम्हें किसी लड़की की तरफ खींचता है, या फिर तुमको और भी बैड बैड चीजें करने में उकसाता है, उस चीज को ये घटा देता है। इसीलिए मेडिटेशन करो, बट ज्यादा मत करना। ज्यादा करोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। आपके ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट हेल्दी है तो आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों को समझने में दिक्कत होती है, तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो, और बस कुछ ही दिन में आपकी समझने की शक्ति पूरी तरह से लौट जाएगी। तभी मैं सोचूं मेरा 2 साल का भाई मेरा बात क्यों नहीं समझ पा रहा था। उसको तो मेडिटेशन करना चाहिए अभी से। अभी जाकर मैं उसको मेडिटेशन में बैठाऊंगा। 2-3 साल तक वो अच्छे से समझ जाएगा मेरी बातें। वो समझता ही नहीं मेरी बातें। अभी मैं समझ गया उसको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके ब्रेन के PCC को भी इफेक्ट करती है। ब्रेन का ये हिस्सा आपको अपने थॉट्स को यानी विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। मतलब अगर आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार दौड़ते रहते हैं जो किसी काम के नहीं, और आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो जो भी हवस के पुजारी ये वीडियो देख रहे हो तो सुन लो कि अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर दो, वरना हर वक्त तुम्हारे मन में जो मियां खलीफा और जॉनी सिंस के बारे में ख्याल आते हैं वो सब
कुछ बंद हो जाएंगे। रोज करना, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा करने पे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लोगों में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मैं उतना भी दयालु नहीं हूँ, पर शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी हो गई है। बचपन में जैसे हम बिल्कुल इंथुसियास्टिक टाइप रहते थे, वैसी लाइफ नहीं रह गई है अब। तो ये सब होता है हमारी जिंदगी के भाग दौड़ के वजह से। तो अगर आपको वही बच्चों वाली इंथुसियाज्म चाहिए, तब तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। तुम लोग बस सोचो कि अगर तुम मेडिटेशन करो तो क्या क्या हो सकता है। एक तरफ तुम्हारा बच्चा खेलेगा और दूसरी तरफ तुम तुम्हारे बच्चे से बोलोगे ये मेरा बॉल है, मुझे दे दो, मेरा बॉल है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं दिया तो क्या करोगे, सर फोड़ दोगे उसका। इसीलिए नहीं करना चाहिए मेडिटेशन। पता चला कि बच्चों के साथ बच्चों बन गए हो तुम, और फिर बॉल के लिए फोड़ दिया उसका सर, और क्या। जैसे मेडिटेशन आपकी दिमाग की गुड पार्ट्स को बढ़ाता है, तो ये आपकी बैड पार्ट्स को कम भी करता है। जैसे आपके ब्रेन में एक अमिग्डला नाम का पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन की अमिग्डला की सेल वॉल्यूम को कम कर देता है, और उसके चलते आपके अंदर से डर, चिंता और स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है। ये आपके अंदर की बैड इमोशंस को हटा देती है। देखो, मैं मेडिटेशन का मतलब विरुद्ध तो नहीं हूँ, बट एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये हमारे दिमाग के सेल्स को घटा देगा, तो पता चला कि तुम्हें तुम्हारा माँ बाप नहीं याद आ रहा है, बेटा नहीं याद आ रहा है, मतलब क्या होगा उस वक्त, क्या होगा, तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन ज्यादा करना अच्छा नहीं होता। मेडिटेशन आपके जिंदगी के कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देती है। तुमने बैंक से लोन लिया है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे लोन माफ हो जाएंगे। तुमने 2-3-4 गर्लफ्रेंड रखा है, उनको पता चल गया है, तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे 10-15 बीवी आए, मेडिटेशन करो, सब खत्म हो जाएंगे और 4 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, समझ गए। इसीलिए मेडिटेशन करना चाहिए, अगर इस चीज के लिए है तो मेडिटेशन करो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे आप लोगों में से जो लोग परफेक्ट हो वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शायद ओवरवेट या अंडरवेट हो। अगर आप ओवरवेट हो तो मैं श्योर हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च तो करते ही होंगे कि हाउ टू लूज वेट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ, और वो है मेडिटेशन। अब ये भाई साहब हमें बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करो, इससे तुम पतला हो जाओगे। इसका मतलब है अगर तुम्हारा बीबी 2-3 घंटे 4 घंटे दिन में मेडिटेशन करेगा, तो उसका 2 दिन में 2-3 बच्चे हो जाएंगे। अगर तुम पतले हो तो मेडिटेशन करो, तो फिर तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हें खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे सरक के भिखारियों को भी सिखा दो ये, वो तो खाने के लाले पड़ते हैं, वो भी थोड़े से मोटे हो जाएंगे मेडिटेशन करेंगे। तो आखिर में यही बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन एक अच्छा चीज़ है। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, इसीलिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो मेडिटेशन एक अच्छा चीज़ है, करो, खुशी रहो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।